हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे कलेजी की कढ़ाई, कलेजी और पोटे की कढ़ाई। ये मेरे पास पोटे हैं, इन्हें भी मैंने वॉश कर लिया और कलेजी को भी मैंने अच्छे से धो लिया है। अब इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास एक नॉनस्टिक कढ़ाई है, इसके अंदर मैं घी ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो आप ऑयल में भी इसे बना सकते हैं। ये मैंने तकरीबन इसमें एक चम्मच बड़े वाला घी का डाल दिया। घी हमारा जैसे ही मेल्ट होगा, हम कलेजी पोटे की कढ़ाई बना रहे हैं, साथ ही इसके अंदर हम खड़ा गरम मसाला डाल देंगे। एक चम्मच भर के इसके अंदर हमने मिक्स गरम मसाला डाल देना। साबुत मेरे पास ये गरम मसाला है। साथ ही इसके अंदर हम चौकती हुई अपनी प्याज डाल देंगे। इसे हम लाइट सा गोल्डन कलर दे लेंगे। कढ़ाई जब भी हम बनाएं उसमें प्याज और टमाटर ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये तकरीबन मेरे पास 4 से 5 प्याज थे, उन्हें मैंने चॉप कटिंग कर ली है। इसे हम फ्राई कर लेते हैं। ये प्याज हमारी लाइट गोल्डन हो गई है। अब इसके अंदर एक चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट वो हमने ऐड कर दिया। साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे टमाटर। मेरे पास 4 टमाटर थे मीडियम साइज के, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ। 3 से 4 मिनट हो गए हैं प्याज के साथ हम टमाटरों को फ्राई कर रहे हैं। ये फ्राई हो गए हैं, ये देखें आप, ये सॉफ्ट हो गए हैं टमाटर। अब इसमें हम खुश्क मसाले ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे नमक हसबे जायका, सूखा धनिया 1/2 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच और कुटी लाल मिर्च भी 1/2 चम्मच। ये सब कुछ डाल के हम अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें अब हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया। अब इसे हम दम लगा के मसाले को पकाते हैं। पाँच से सात मिनट इसे पकाते हैं, तो मिलते हैं 5 से 7 मिनट बाद। 5 से 7 मिनट हो गए, आप देख सकते हैं हमारे टमाटर काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसे हम बैचलर की मदद से मज़ीद दबा लेंगे इस तरह से। अब इसके अंदर हम अपनी कलेजी और पोट को शामिल कर लेंगे और इसे मज़ीद दम लगा देंगे। अब इसमें पानी नहीं यूज़ होगा, इसको हम दम लगा देते हैं तब जब तक ये अच्छे से गल ना जाए। 6 से 7 मिनट हो गए हैं, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया और कलेजी हमारी अच्छे से गल रही है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसमें अब मैं दही डाल दूंगी, 3 से 4 चम्मच मेरे पास दही है, फ्रीज हुआ हुआ दही है। ये मैंने इसी तरह डाल दिए, खुद ही इसमें अच्छे से घुल जाएगा। इसे मज़ीद 4 से 5 मिनट और हम दम लगा देते हैं। इसे मैंने बिल्कुल दम वाली आंच में बनाया है, ये दम वाली आंच में ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तेज़ आंच करो तो पानी इसका जल्दी से खुश्क हो जाता है और ये अंदर तक अच्छे तरीके से गलते ही नहीं है। फिर इसे हम मज़ीद 5 से 7 मिनट का दम लगा देते हैं। 5 से 7 मिनट हो गए, ये हमारा कलेजी पोटा कढ़ाई तैयार है। मैं इसे डिश आउट करती हूँ।
ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है, इसे डिश आउट करते हैं। मैंने डिश आउट कर दिया, ये हमारी कलेजी पोटे की कढ़ाई तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ किस तरह की लगती हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।